अल्मोड़ा जिले के दनिया थाना क्षेत्र के ग्राम नैनोली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां नशे के आदि एक युवक ने नशे के लिए पैसे न मिलने पर अपनी 62 वर्षीय मां गोपुली देवी की हत्या कर दी। वहीं परिवार के मुखिया लीलाधर भट्ट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनका बेटा गोकुल नशे के लिए लगातार पैसों की मांग करता था। जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो उसने गुस्से में अपनी माँ पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना दनिया में हत्या का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और जांच के दौरान पुलिस ने गोकुल को दनिया अल्मोड़ा रोड पर जागनाथ होटल के पास से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, ये कल शाम में दनिया थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें गोपुली देवी नामक महिला की हत्या कर देने की बात सामने आई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा उसका पंचनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहां जो भी जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार उसके पुत्र के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तत्काल इसमें टीम को गठित की और जो आरोपी अभियुक्त था गोकुल भट्ट, जो उसका मृतका का पुत्र ही है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो बात सामने आई उसके अनुसार ये कुछ पैसों की मांग करता रहता था, तो उससे कुछ आपस में बात हुई थी और उसके कारण ही ये घटना को अंजाम दिया गया, जैसा कि उसके द्वारा बताया गया है। और फिलहाल पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, बाकी और भी तथ्यों को छान रही है और आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाए।